हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि ब्रैकेट वाले इक्वेशंस में देखा है कि सभी को डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करना, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम ब्रैकेट वाले इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। ये भी बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशंस की तरह सॉल्व होता है, जैसे हमारा ब्रैकेट के बाहर 2। जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होता है उसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो बिलोंग करता है। मतलब ये जो 2 है वो एक्स को भी बिलोंग करता है और ये 4 को भी बिलोंग करता है। बस ब्रैकेट का यही मतलब होता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स प्लस 4, अब आपको पता है कि ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डिविजन। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 2 1 2 6 12। तो आंसर होगा 6। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। अब ये होता है एडिशन, तो इस तरफ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो हो गया ना एकदम इजी सा सोल्यूशन। चलिए हम इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं। ये है 4 2 माइनस एक्स और इक्वल्स टू 8, अगेन ब्रैकेट के बाहर है। तो पहले ब्रैकेट से सीधा ही ले जाओ, ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 1 4 2 8, तो आंसर आया 2। अब माइनस है तो देखो इस तरफ माइनस है, तो हम चलो माइनस एक्स को रखा और 2 माइनस 2 तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 0 और 0 माइनस 0 तो होता नहीं है, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। चलिए हम नेक्स्ट हम देखते हैं। ये है 3x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 21। अब देखिए अगेन वही मेथड यूज करेंगे हम, ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 3 1 3 7 21, तो आंसर आया -7। एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 7। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 7, यहाँ माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 7 माइनस 5 क्या हुआ, 2 और बड़े नंबर के साइन, तो इसकी वैल्यू होगी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। चलिए हम एक और सम देख लेते हैं सेम पैटर्न में। माइनस 4 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। तो अगेन वही करेंगे, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS से डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन माइनस 4। तो 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 1 4 2 8, और ये माइनस बचा तो माइनस 2 हुआ। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 2, ये प्लस है तो इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 और बड़े नंबर के साइन तो माइनस है, तो इसका आंसर होगा -4। आई होप गाइज आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।